आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पूरा देश आज जल रहा है। और आज जो ये वापस की बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इन्होंने अडानी अंबानी का वो टेंडर वो ठेके दे दिए होंगे। एक तरफ तो समाज को इन्होंने धकेल दिया जाति के नाम पर, और एक तरफ इन्होंने समाज को तोड़ करके इन उद्योगपति को कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लाभ पहुँचाने का काम किया होगा। और इतिहास जानता है कि कौन सा बिल कब काम आता है। एक बिल आप ये बनाते कि इस देश में हर जिले में इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी होगी। एक बिल आप ये बनाते जिससे कि मुस्लिम समाज बहुजन समाज में कहीं ना कहीं एक बड़ा एक भव्य हॉस्पिटल ऐसे बनते जिसको समाज को जोड़ा जाता। लेकिन ये लोग तोड़ने की बात करते हैं। ये कोई भी ऐसा बिल बना लीजिए, आप भारत की पार्लियामेंट को बैठ करके अपवित्र कर सकते हैं, लेकिन इस समाज के दिलों को नहीं। दलित मुस्लिम आदिवासी पिछड़ा एक साथ इकट्ठा हो गया है, जिसका करार जवाब झारखंड की जनता ने चुनाव में दिया है। आप देखिए, ये लोग बड़े शातिर हैं। ना तो सीए से कोई लाभ होगा, ना एनआरसी से लाभ होगा। अगर ये होता तो बाबा साहब ने 2 साल 11 महीने 18 दिन में संविधान लिखा। वो बड़े दूरदर्शी थे, वो इस चीज़ को उसमें नहीं लाते, लेकिन इन्होंने संविधान को बदलने का काम किया। अगर आपको लाना ही था तो 2014 में आपकी सरकार थी, आप जब लाते। लेकिन उन लाखों करोड़ों लोगों से वोट लेकर के जाति के नाम पर बांटने का इन्होंने काम किया। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पूरा देश आज जल रहा है। और आज जो ये वापस की बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इन्होंने अडानी अंबानी का वो टेंडर वो ठेके दे दिए होंगे। एक तरफ तो समाज को इन्होंने धकेल दिया जाति के नाम पर, और एक तरफ इन्होंने समाज को तोड़ करके इन उद्योगपति को कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लाभ पहुँचाने का काम किया होगा। और एक बात मैं आपसे कह दूँ, अगर आपको आईडी चाहिए, अगर आपको बहुजन समाज के दलित मुस्लिम ओबीसी की अगर आइडेंटिटी चाहिए, तो साथियों मुस्लिम समाज की लाल किला, कुतुब मीनार और साथ ताजमहल जैसी आईडी है। और अगर आपको दलित तो चाहिए तो हम मूल निवासी हैं, भारत का संविधान, तमाम बाबा साहब ने ऐसे कार्य किए हैं कि हमें किसी आईडी की जरूरत नहीं है। और एक बात मैं आपसे कह दूं कि मनुस्मृति जो आज हम लोग दहन करके आज 25 दिसंबर को मना रहे हैं, हमारे समाज के पास कहाँ है जमीन जायदाद, कहाँ ये लेने देते हैं, कहाँ ये देने देते हैं, हमको ये दबाने का काम करते हैं। तो साथियों घूम फिर के बात वहीं आती है जो काशीराम साहब ने कहा, बाबा साहब ने कहा कि ये बिल जो है हमारे तोड़ने काम करता है। मैं तो एक बात और कहना चाहता हूँ, जो वर्तमान की सरकार है, एक बिल आप ऐसा भी लाइए कि जिन्होंने अंग्रेजों की गुलामी करी, उनकी मुखबरी करी और उनके नेताओं ने अंग्रेजों से माफ़ी मांगी, उनके आज वंशज इस देश से बाहर होने चाहिए। इतिहास जानता है कि कौन सा बिल कब काम आता है। एक बिल आप ये बनाते कि इस देश में हर जिले में इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी होगी। एक बिल आप ये बनाते जिससे कि मुस्लिम समाज बहुजन समाज में कहीं ना कहीं एक बड़ा एक भव्य हॉस्पिटल ऐसे बनते जिसको समाज को जोड़ा जाता। लेकिन ये लोग तोड़ने की बात करते हैं। ये कोई भी ऐसा बिल बना लीजिए, आप भारत की पार्लियामेंट को बैठ करके अपवित्र कर सकते हैं, लेकिन इस समाज के दिलों को नहीं। दलित मुस्लिम आदिवासी पिछड़ा एक साथ इकट्ठा हो गया है, जिसका करार जवाब झारखंड की जनता ने चुनाव में दिया है। आप बांट लीजिए जितना आपको बांटना है, लेकिन हम बांटने वाले नहीं हैं। इसके साथ साथ एक अपील मैं और करूँगा साथियों, कि जो हमारे बहुजन समाज के MP दिल्ली में बैठे हुए हैं, कि आप भले किसी सरकार का टैग हो, लेकिन आप चलते हैं भारतीय संविधान से। जब संविधान नहीं बचेगा तो आप MP MLA नहीं बन सकते। अगर आपको MP MLA बनना है तो इस बहुजन समाज की आवाज़ उठाओ, भारतीय संविधान को जिंदा रखो। अगर संविधान बदल गया तो आप बदल जाओगे, आप बदल जाओगे तो आपके बच्चे जो डॉक्टर इंजीनियर बन रहे हैं वो गुलाम हो जाएंगे, वो गुलाम हो जाएंगे तो आप फिर हम वहीं पहुँच जाएंगे 5000 साल पहले जो आज़ादी से पहले हम थे, कि आगे मटका पीछे झाड़ू। अगर इसको बचाना है तो NRC का और सीए का हम लोग विरोध करते हैं, करते रहेंगे चाहे हमारी जान कौन चली जाए। और रही बात मोदी अमित शाह जी, ये तो देश की प्रगति जानती है और देश का नियम है, सरकार आनी जानी है। कोई ऐसा जहर घोल के मत जाइए जिससे कि हमारा भाईचारा टूट जाए। हम ब्राह्मण के खिलाफ नहीं है, ब्राह्मणवादी विचारधारा खिलाफ है जो हमको गुलाम बनाना चाहती है। बाबा साहब ने तमाम उन ब्राह्मणों को धोखा दिया, जो 17 लोग विदेश पढ़ने गए उनमें से ब्राह्मण भी थे, लेकिन हमारा विरोध ब्राह्मणवादी विचारधारा का है जो आज हम कर रहे हैं, ना कि ब्राह्मण का। अगर आप लोग जातिवाद जहर घोलना चाहते हैं, तो जब साथियों बनों में आग लगती है तो कोई भी पेड़ नहीं बचता। अगर ये जातिवाद की आग लगेगी तो आपके घरों तक ही पहुंचेगी। और इस और कल को जब आने वाली पीढ़ियां कहेंगी कि जहर के घोलने वाले कौन थे, कि साथियों 2014-2019 में जातिवाद घोला वो नरेंद्र मोदी अमित शाह ने घोला। तो आप सावधान रहें, चौकन्ना रहें, इन लोगों के बहकाव में ना आए, इस बिल का विरोध करें, इकट्ठे रहें, एक साथ रहें। जय मूल निवासी, जय मुसलमान, जय बहुजन समाज, जय भीम, नमो बुद्धाय। अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।